आज हम जो गुजराती ढोकला बेसन से बना रहे हैं, जिसे खमन भी कहते हैं। सबसे पहले 200 ग्राम आटा, 1.5 कप पानी चाहिए। इन सबको धीरे धीरे हमें मिलाना है। हल्दी पाउडर, रवा, 1 चम्मच तेल, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच शक्कर। अब इसे हमें बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है कि लंप नहीं पड़े। देखिए, इस ऐसा होना चाहिए। स्टीमर ऑन कीजिए, उसका धुआं निकलना चाहिए। ग्रीस विथ ऑयल, फ्रूट सॉल्ट बहुत ज़रूरी है, 1/4 चम्मच, जो मैंने थोड़े सूखे आटे के साथ मिला के रखा। 1/2 कप पानी। ये फूलना यहीं शुरू कर देता है, केवल हमको इसको फुला के तुरंत डालना है। देखिए, अब हम इसे केवल 6 मिनट के लिए रखेंगे। अब ये बन गया है, इसको हम चाकू से चेक करते हैं। जरा भी नहीं लग रहा है। 1 मिनट के लिए बंद करते हैं और छौंक की तैयारी करते हैं। 1 चम्मच तेल, 1 लाल मिर्च, राई, हरी मिर्च इसमें डालिए, उसमें नहीं डाली, क्योंकि बच्चों को अगर खाना है तो आप निकाल सकते हैं। 1/2 चम्मच हींग, कड़ी पत्ता, तिल, 1/2 कप पानी। अब इसको हम इसके ऊपर लगाते हैं। गार्निश विथ कोरिएंडर, बन गया है। आप अगर चाहें तो ये ऑप्शनल है, खोपरा डाल सकते हैं। मिर्ची और पानी बहुत ज़रूरी है स्वाद के लिए। 2 मिनट के बाद हम काटेंगे, ठंडा होगा तो।